नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। विद्युत अभियंता रामशंकर सिंह की लापरवाही का खमियाजा भुगत रहे हैं कंज्यूमर। बिजली बिल के पैसे जमा होने के बाद भी उपभोक्ता पर थाने में FIR। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। अभी मैं दरभंगा जिले के थाना कुशेश्वर स्थान प्रखंड कुशेश्वर स्थान के पूर्वी ब्लॉक पंचायत तिलकेश्वर के वार्ड नंबर 15 तिलकपुर मौजूद है और ये हम सीधा पोल की दृश्य दिखा रहा हूँ। जिस पोल से ये तार आखिर कहाँ गया है, इस तार का थोड़ा हम जानकारी लेते हैं कि ये तार आखिर गया तो गया कहाँ पे। ये तार जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये तार आके ये मीटर में आया है और इस मीटर का मैं सारा चीज़ दिखा रहा हूँ। ये मीटर जो है खुशबू देवी के नाम से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो आइए खुशबू देवी से ही पूछताछ करते हैं कि इस मीटर को आप कितने सालों से यूज कर रहे हैं। मुकेश जी, आप बताइए किस प्रकार की ये घटना घटित हुआ। देखिए, इससे पहले अजीत मेरे पास आया, हम उसको जो है बोले कि भाई, बोला हमको बिजली बिल जमा करो, कम से कम आधा जमा करो। हम उसको बोले कि आधा जमा हम करेंगे, पर हमको जो है 1000 रुपया जो आपको पहले दिए थे, आप हमको स्लिपो दे दिए और हमको पैसा जमा नहीं हुआ है। अभी तक पैसा नेट पर शो नहीं कर रहा, हम खुद चेक कर लेते हैं हम अपने मशीन से। तो वो बोला कि पहले तुम ही जमा करो ना। हम बोले इसको ब्याज जोड़ के आप दीजिएगा। तो बोला नहीं, हम ब्याज काहे देंगे, हम अभी जमा करेंगे। हम बोले काहे अभी जमा कीजिए, इससे 3 महीना पहले आप काहे जमा किए, इससे 3 महीना पहले जमा करके चक्रवृद्धि ब्याज लगता है बिजली बिल में, अभी तक मतलब जमा नहीं किया। इसके कारण हम जो है उसको बोले आप जमा कीजिए। बोला हमको 4000 जमा करो, हम बोले ठीक है, हम 4000 कर दिए, पहले आप 1000 जमा कीजिए। अच्छा, ये बताइए मीटर जो है किन के नाम से? मीटर मेरे भाभी के नाम से, खुशबू देवी के नाम। अच्छा, खुशबू देवी के नाम से जी। फिर जैसे आपके ऊपर ये साहब आरोप लगा रहे हैं कि पोल से ये चोरी से बिजली जलाते हैं, जब आप अगर मीटर यूज कर रहे कंज्यूमर है, पैसा जमा किए, फिर आपके ऊपर चोरी का आरोप क्यों लग रहा है? तो अजीत अपना मर्जी से लगा रहा है, अजीत अपना मर्जी से लगा रहा है, बट पदाधिकारी भी वहाँ से आके जांच नहीं करते हैं। जो अजीत बोल देता है उसी स्तर पर जाके केस FIR करवा देते हैं। अच्छा, ये बताइए उस दिन जो जांच पड़ताल हो रहा था, आपके घर पे कौन कौन आए थे? उस दिन मेरे घर पर कोई नहीं आया था, वो अजीत आया था, उसके साथ में 2 लड़का था, बच्चा। और एक चीज और है सर, जो कि बच्चा के भेज के बिजली बिल कटवाता है, बच्चा से बच्चा पैसा ले लेता है, लेके चल जाता है, बट उसका पेमेंट होता नहीं। इस कारण से हम 4-5 आदमी चेक किए, 4-5 आदमी बोला हम इतना पैसा जमा किए, उसका पेमेंट नहीं हुआ। ये दिक्कत सिर्फ आपको हो रहा है या सबको हो रहा है? सबको, पूरे ग्रामीण को हो रहा है, जिसका जिसका पैसा जमा नहीं होता। चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी जनता उनसे बात करते, आप अपना नाम बताएंगे। मेरा लखन यादव नाम है। अच्छा, ये घटना कैसे घटित हुआ? ये घटना को तो उस समय हम नहीं थे, मेरा घटना जो है 1 साल हो गया है। इसी महीना 10वां महीना में 2021 में हम रुपया 2000 जमा किए हैं, अभी तक हमको बिल नहीं दिया है। उस दिन से अभी तक नहीं, हमने बिल भी नहीं जमा किए, जहाँ हमको रुपया नहीं करना है। किन के पास ये बिल जमा किए थे? ये अजीत यादव। यानी आप लोगों का जो बिजली का कलेक्शन करता है यही करता है क्या? नहीं, अजीत यादव। हाँ, वही करता है। इसके अलावा कोई बड़ी अधिकारी आते हैं? उसके साथ में एक लड़का और था, उसका भाई था। बड़े अधिकारी कुछ नहीं आता है। ये सब कुशेश्वर स्थान से कभी जांच पड़ताल करने के लिए आते? कोई नहीं आए अभी तक हमको, तो कितना दिन हो गया था, कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। चलिए ठीक है, चाचा जी आप बताएंगे बिजली संबंधित क्या शिकायत है, बताइए। शिकायत है कि रुपया ले लेता है, किसी को जमा नहीं करता है। अच्छा, 4000 रुपया हमको बेटा क्रिस जमा करने है, 8000 रुपया अभी तक मतलब हमको अथी पर रुपया नहीं दिया है। चाचा जी आप बताएंगे। तो समस्या यहाँ गड़बड़ है, इसलिए यहाँ का बड़े पदाधिकारी नहीं आते हैं देखभाल करने के लिए। लोकल आदमी को दिए हुए हैं, वो अपना मनमाना काम करवाते हैं। नहीं, अगर इस प्रकार की जब घटना होता है तो आप सभी समाज मिलकर जेई साहब को एक आवेदन दीजिए ताकि इस चीज का जो निपटारा हो सके। आपने कभी जेई साहब को, आप समस्त ग्रामवासी कभी आवेदन दिए है? जेई साहब को कॉल करके जेई साहब पेमेंट लेना था तो बात किए। पेमेंट के समय वो बोले कि ठीक है, आप पेमेंट कीजिए डायरेक्टली मेरे पास, हम पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, जब उनके पास पेमेंट किया तो पेमेंट करने के बाद जब उनसे फिर दोबारा बातचीत करना चाहा तो नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। किसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? जय साहब।
जी सब आप लोगों का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। वो बात ही नहीं करते हैं उस नंबर से फिर दोबारा। क्या बोले तुम के अजीत? अजीत जो भी बताते हैं जय सर के, जय सर उतना ही करते हैं। जय सर को बोला अजीत केस का एफआईआर करने से पहले कि हम एफआईआर कर दिए जय साहब मुकेश के ऊपर। जय सर भी बोला हाँ एफआईआर हो गया है, हाँ हो गया। फिर जय सर कैसे एफआईआर किए? जब अजीत बोल रहा था हम एफआईआर कर दिए, फिर मतलब जय सर कैसे एफआईआर करी? अच्छा उस दिन जय साहब का कहना है कि हमारी टीम वहाँ पे गई थी छापेमारी करने के दिन, आपको बिजली चोरी करते पकड़े गए। जी नहीं, मेरे ग्रामीण में पता कर लीजिए कि कोई सरकारी प्रभारी आया था, आया था दो लड़का है, वो भी मैं उसको भी मैं पहचानता हूँ, उसको सामने कर सकता हूँ। वो लड़का अभी फिलहाल में नहीं, वो भी तिलकेसरे का है, दोनों लड़का है, बच्चा है, मानिए तो 17-18 साल का है बच्चा। चलिए ठीक। चाचा जी ये बताइए, मुकेश कुमार ये बिजली चोरी करते पकड़े गए क्या? नहीं नहीं, ये बात सही है या गलत है? गलत है, इनका बिल मीटर लगा हुआ है। ये बात सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। ये बताइए खुशबू जी, ये बात सही है या गलत है, आपके देवर के ऊपर जो आरोप लगा है कि ये मुकेश जी चोरी करते पकड़े गए हैं? गलत है। ये सही है या गलत है? चोरी करते है गांव में लोग नहीं जानते है, कोनो बात होता है कोई नहीं जाने गांव। सही छे गलत छे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि अगर इन्हें चोरी ही करना होता तो इनके घर में मीटर का कनेक्शन नहीं होता। मीटर का कनेक्शन होने के बावजूद भी यहाँ पर चोरी का आरोप लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जनता, हम इनसे भी बात करते। अच्छा ये बताइए ये घटना सही है गलत है? बिजली चोरी करते वक्त नहीं देखे, लेकिन मीटर जब इसको पास है तो चोरी कैसे कर सकते हैं? नहीं वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि झूठा बात है, ये झूठा बात है। चाचा जी आप बताएंगे, लार के जहिया समय बिजली लगले है तहिया समय यार के 1500 रुपया देखिए लोग के आवे छे। किसको दिए? अजीत के। अजीत? हां हुनकरा। अच्छा नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बिजली चोरी करते मुकेश जी पकड़े गए या नहीं? नहीं, ये बात तो झूठी है। इनके ऊपर जो आरोप लगाया चोरी का, ये सही है गलत है? पूरा गलत है, पूरा गलत है। जब से बिजली नहीं आया कोई दिक्कत होने पर कभी यहाँ पे नहीं आता, इसका मतलब लगता है सरकारी प्रभारी कभी दूसरे के भी मार रहे हैं। क्या जानकारी चाहते हैं? हम यह कहना चाहते हैं बिजली विभाग में कि हम लोग को जितना ग्रामीण है, मेरे ग्रामीण को जो रिचार्जिंग वाला ऑप्शन है वो मीटर लगवा दिया जाए, ताकि कोई फ्रॉडिंग मेरे गांव में आकर के कोई लड़का नहीं कर सके। अजीत को जो लैंड माइनर बना दिया गया है, वो लड़का पूरे फ्रॉडिंग है, पूरे फ्रॉडिंग करता है, इस चीज का दावा करते हैं। मेरे गांव में इस चीज का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल राइट बात है, दावा करते हैं इस चीज का पूछे ग्रामीण से। आप बिजली विभाग से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वही रिचार्ज वाले चाहिए मीटर, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फरोदगिरी होता है सभी आदमी को। ये आदमी नहीं, क्या चाहते हैं बिजली विभाग से? वही रिचार्ज वाला मीटर लगना चाहिए। यानी आप जितने भी समस्त जनता है, आप लोग का एक ही चीज है कि हम लोग को स्मार्ट मीटर चाहिए। स्मार्ट मीटर चाहिए, यानी ताकि उसमें जितना आप लोग रिचार्ज कीजिएगा उतना ही आप करेंगे, कोई जरूरी है नहीं की, ताकि हम लोग को ये समस्या झेलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसा गड़बड़ी हम लोग को पैसा देते हैं, पैसा रख लेता है, पैसा जो भी देते हैं हम, मेरे साथ जब हुआ हमसे गुजारिश है जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए, जितना जल्दी हो जाए। अब मुकेश के साथ ऐसा किया है, पैसा आज समझ लीजिए मेरे साथ अपना यूज करेंगे, रुपया डालेंगे नहीं यूज करेंगे, रखा जो हम पैसा दिए थे अजीत मेरे साथ किया, आज सोच सकते हैं इससे मेरे साथ जो मूर्ख आदमी है मेरे गाँव में ग्राम में उसके साथ कितना अन्याय होता होगा। हमें जानकारी आदमी है, हमें लैपटॉप से खोल के यानी के यहाँ से 200 रुपया ठक मीटर यहाँ लगेने छे ये देखिए तिलकपुर की जनता में आक्रोश है बिजली विभाग को लेकर, क्योंकि वरीय अधिकारी यहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए नहीं आते हैं।
छोटे छोटे को भेज देते हैं बिजली कलेक्शन के लिए, बहुत सारी समस्या यहाँ पे हो रही। ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं यहाँ की जनता को दिखा रहे, जिनमें बहुत सारे आक्रोशित है। इत्यादि तिलकपुर से दिलीप यादव की रिपोर्ट।